प्रवीण गोयल जी, लेट मी गिव यू ऑप्शन टू अनम्यूट, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मैंने आपको 2-3 मंथ बैक ही ज्वाइन करा है और मेरा पहले पोर्टफोलियो एक अलग था, आपने जैसे कहा एक अलग अकाउंट खोलना है, मैंने उसमें 5 लाख रुपीज डाले थे, अब नियर अबाउट वो 6 लाख रुपीज हो गए। ओके वेरी गुड, तो यू आर हैप्पी? मोर देन हैप्पी सर, मोर देन हैप्पी। आपने जो सर्विसेज के लिए पैसे दिए थे वो रिकवर हो गए? सर वो तो मतलब कितने टाइम रिकवर हो गया। बस ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। राजीव शर्मा जी, राजीव शर्मा जी, tell me your experience about the services which you are getting। नमस्कार सर। नमस्कार। सर्विसेज तो मैं क्या कहूँ, मैं तो कहूंगा आपका आशीर्वाद है। नहीं सर, एक्चुअल में क्या है, मैं चाहता हूँ बस आप लोग जिससे भी बात करें ना, जिससे भी आपके दोस्त हो, भाई हो, कहीं भी, वो स्टॉक मार्केट को अच्छा बोले, वो स्टॉक मार्केट को जुआ सट्टा ना बोले, वो स्टॉक मार्केट को स्पेकुलेशन ना बोले, वो ये कहे मुझे नॉलेज नहीं है इसलिए मैं अर्न नहीं करता। स्टॉक मार्केट को जब लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट का जुआ है सर, मुझे बहुत दुख होता है सर, मुझे बहुत दुख होता है कि किस आपका इनएक्सपीरियंस की वजह से, आपकी इमेच्योरिटी की वजह से, और स्टॉक मार्केट जो जब लोग कहते हैं, बताइए सर आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या किस तरह की अर्निंग है आपके? मैं तो कहूंगा सर इग्नोरेंस के कारण, आप जो आपका जो स्टाइल है, जिस तरह की मतलब एजुकेशन और यू नो इंफॉर्मेशन और लर्निंग आप स्प्रेड कर रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी में, और हमारे जैसे आम आदमी जो कि फाइनेंस और अकाउंट्स का शायद कुछ भी नहीं जानते, मेरे ख्याल से अब हम काफी ठीक से जानते हैं वो आपका एवरेज वाला RSI वाले कॉन्सेप्ट और स्टॉक को चूज करने वाले कॉन्सेप्ट। मेरा पोर्टफोलियो टोटली ग्रीन है। वेरी गुड सर। मैंने भी एक और डीमैट ले लिया है कोटक सिक्योरिटीज में। वेरी गुड। और इन्वेस्टमेंट वाले मेरे स्टॉक्स जो आपकी 40-50 की लिस्ट है वो मैं उधर ऐसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नया उसी में खरीदता हूँ, और नहीं तो यहाँ जैसा आपने बताया था यहाँ सेल करो, Within 5 minutes वहाँ परचेज कर लो, सेम प्राइस में वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। वेरी गुड। तो वो काम मैं कर रहा हूँ, और बाकी मैंने अपनी बेवकूफी से जो उल्टे सीधे खरीदे हुए थे अभी लगभग सारे ग्रीन है, तो जो ग्रीन हो जा रहा है मैं उससे अब मैं पीछा छुड़ा ले रहा हूँ। अच्छा, ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग का मेरा जरोदा में है, तो मैं जरोदा में वही रखता हूँ जो आप ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड करते हैं, वो मेरे जरोदा में है, बाकी कोटक में है, और मैं तो इसमें तब तक रहूंगा शायद जब तक मैं अपने लैपटॉप पे आपको देख सकता हूं। आप लोग को बता रहा हूं, स्टॉक मार्केट अगर आपने सीख लिया ना, यही इसकी ब्यूटी है, आप बेड पे रहेंगे, मान लीजिए आपके बॉडी एक टाइम आएगा ये जैसा आएगा आप काम करना, तब भी अगर आप माइंड सेट ठीक है, मैच्योर है, तो आप बेड पे रह के इस पे काम कर सकते हैं। कितना अच्छा प्रोफेशन है, सोचिए कितना अच्छा प्रोफेशन है। एक डॉक्टर भी चाहे, एक CA भी चाहे कि मैं, तो शायद वो ना कर पाए, कहीं ना कहीं क्लाइंट के पास कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ये है आप अपने कमरे में बैठे रहिए और 9:30 बजे देखिए कोई होता है बुजुर्ग हो गए, अब उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है, बच्चे ऑफिस चले गए, वो क्या करे, वो दिन भर इस काम को कर सकता है, कितना अच्छा प्रोफेशन। इसीलिए मुझे प्रोफेशन अच्छा लगता है। नेक्स्ट मेरे पास नरेश भारद्वाज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नरेश भारद्वाज जी प्लीज योर फीडबैक सर, आपका बहुत माने रखता है सर फीडबैक। थैंक यू सो मच सुनील सर, एंड जो ये आपने शुरू किया हुआ फाइनेंशियल लिटरेसी रिलेटेड थिंग्स, इट्स रियली वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ द कॉमर्स, नॉट इवन फॉर द कॉमर्स वन कम्युनिटी, इट इज हेल्पफुल फॉर ऑल द पर्संस बेसिकली, बिकॉज दोज हु बेसिकली डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द मार्केट, बेसिकली यू हैव बेसिकली टेकिंग अ फ्लैग एंड जस्ट यू आर गोइंग, वी आर जस्ट फॉलो यू, so whatever you are doing we are just following you, and as per your recommendation we are also basically doing some investment in that one too, which basically we didn't do previously for that one now. Thank you sir, thank you very much. Tell something about your portfolio sir, tell something about your portfolio. Now basically near about 14% is green, 14% increment is there. Excellent. और हम 5% के संतुष्ट होने वाले इंसान है, FD में हमें 5% मिलते थे और अभी हमें 6 महीने हुए, और मैं बता रहा हूँ ये 6 महीने हैं, अगर कोई समझ सकता है ये वो 6 महीने हैं जिसमें यूक्रेन भी हो गया, ओमिक्रॉन भी हो गया, सब कुछ हो गया। और सेकेंड वन थिंग जो आपने ये चीज स्टार्टिंग में भी बोली थी एक दो क्लासेस के अंदर, when the market crashes we should have to invest in that one, that's a great one. मैं चाहता था वो कौन आई थी, एक पियांसी कौन आई थी, वो ताइवान में कुछ लड़ाई करे, कुछ युद्ध हो, कुछ और स्टॉक नीचे मिले, मुझे मिला ही नहीं। मैं लोग है ना ऐसे चीजों में दुखी होते हैं, और मैं ऐसे चीजों में इतना खुश होता हूँ, मैं सोचता हूँ मुझे कहीं मौका मिलेगा,
मौका ही नहीं मिला। आप में से कितने लोगों को अब ऐसे ऐसे चीजों का इंतजार होने लगा कि हाँ ऐसा हो ऐसा हो, ऐसा होने लगा है किसी को कहे हैं? डॉक्टर निर्मल यादव, डॉक्टर निर्मल यादव यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं इसलिए आपसे सुना क्योंकि आपका बिल्कुल भी सीए मतलब इससे कोई लेना देना नहीं था, आप किसी के रिकमेंडेशन पे आए थे, तो दैट इज द रीजन आई वांट टू हियर कि हां आपका क्या फीडबैक है। सर मेरा फीडबैक आपके लिए ये है कि मैं जीरो नॉलेज था मुझे स्टॉक मार्केट का, एक्चुअली हमारे घर में भी किसी को भी नहीं है, तो जो मैंने यहाँ पे सीखा है वो बेसिकली मुझे लगता है कि वो मेरे पूरे लाइफ के लिए मुझे काम आएगा। और मैं एक चीज ये जरूर बोलना चाहूंगी कि पैसे चार्ज करके शॉर्ट टर्म के लिए आपको कोई प्रॉफिट देने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, बट जो आपका एम है कि आप हमें एजुकेट करना चाहते हो, हम अपने आप आगे चल के सही गलत समझे, वो एक बहुत। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं यही चाहता हूँ कि आज के हो सकता है दो चार साल बाद मैं कहाँ हूँ आप कहाँ हो, लेकिन अगर आप लोग लर्न कर लोगे ना इसे, लोगों को आप सिखाना चाहते हो विच इज अमेजिंग मुझे लगता है। और मैं ज्यादातर इन्वेस्टमेंट पर्पस से करती हूँ, और मैंने पहला शेयर लिया था नेस्ले का क्योंकि आपका कहने पे मुझे जो जिससे लिया था उन्होंने मुझे बोला कि पहले आप देख रहे हैं जो इतना मतलब बड़ा शेयर ले रहे हैं, वरना यूजुअली लोग छोटे उससे लेते हैं, क्योंकि एज अ पर्सन आई थिंक आपका ये बहुत एविडेंट है कि आपका जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है, तो मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एक मैं लास्ट लूंगा, मिस निशा, आई थिंक शी इज फ्रॉम बैंगलोर इफ आई कैन रिमेम्बर, मिस निशा हाउसवाइफ फ्रॉम बैंगलोर इफ आई एम करेक्ट। निशा जी क्या मैं सही हूँ? सर मैं पंजाब से हूँ, जलंधर से। ठीक है, आप बताइए आपका व्हाट इज योर फीडबैक। सर इनिशियली जब मैंने आपकी क्लासेस लेना शुरू किया था, देन आई थॉट कि मैं सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए लूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट, बट आपने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि आई थिंक विद इन 6 months मैंने अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया, ऑल थैंक्स टू यू। कि मैं कभी इतना यू नो डेयरिंग नहीं थी कि मैं भी इस इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग में कर पाऊंगी, फिर देन आई थॉट कि नहीं एज ए इन्वेस्टर ही करेंगे, आई विल नेवर गो फॉर द ट्रेडिंग, बट यू नो स्लोली स्लोली अब आपने हमें वो भी कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं अब थोड़ा थोड़ा ही सही, बट स्टिल आई एम इनटू ट्रेडिंग एज वेल, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर, थैंक यू वेरी मच। आई वांट यू पीपल टू बी इन्वेस्टेड इन मार्केट फॉर नेक्स्ट 20-25 इयर्स, दिस इज ओनली माय मोटिव। अगर आप करते हैं तो लास्ट में ले रहा हूं, चलिए मैं एक उसके बाद देता हूँ। मैं आपको कहता था एक डायरी लिखेंगे, डायरी में मैंने आपको पहली चीज बताई कि आपका 90% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 10% आपका ट्रेडिंग होना चाहिए। उस 10% में क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी हो भी गया, गलत भी ले लिया आपने, तो वो कोई फर्क साल के रिटर्न में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उससे ज्यादा ट्रेडिंग में नहीं जाए। दूसरी चीज प्लीज, मैं अब दोबारा आप लोग को बता रहा हूँ, ये गलती मैं देख रहा हूँ, आपने कोई स्टॉक 2 खरीद लिए, कोई स्टॉक 10 खरीद लिए, प्लीज ऐसी गलती नहीं करना। मैंने आपको बताया था जब पहली बार कोई स्टॉक बाय करेंगे, पहली बार मैं आपको लगा, मैंने आपको भेजा कि चलो जी ICICI सिक्योरिटी खरीद लो, तो कितना खरीदना है, 3% ऑफ योर पोर्टफोलियो। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, 3%। आपको 1% नहीं खरीदना, अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपको 1,000 के नहीं खरीदने, कम से कम 3,000 के खरीदिए, क्योंकि जब आप 3,000 के खरीदते हैं ना, जब 3% खरीदते हैं तो आप खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं। सपोज किसी का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो जब वो 3 लाख के खरीदेगा तो 10 बार सोचेगा, और 10,000 के खरीदेगा तो कहेगा ठीक है 10,000 थोड़ा ऊपर हो गया। तो आपका जो डिसीजन होगा ना, वो डिसीजन मोर मेच्योर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप एक बल्क खरीदते हैं तो आप जल्दीबाजी में नहीं खरीदेंगे, एटलीस्ट 3% ऑफ योर पोर्टफोलियो खरीदना है पहली बाइंग, हमेशा ध्यान रखना। ये नहीं कि कभी 10 शेयर खरीदिए, कभी 2 शेयर खरीदिए, ऐसी गलती नहीं करनी है। ट्राई टू अपने पोर्टफोलियो को ना ऐसा करिए कि आपको जो रूल्स हैं उससे हमें 3% ऑफ योर पोर्टफोलियो, 25 स्टॉक हो जाएंगे, 30 स्टॉक होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ जो रूल फॉलो करेगा उसके पास हमेशा 25 से 30 के आसपास रहेंगे, ना वो 25 से कम होंगे, ना वो 30-32 से ज्यादा होंगे, 3% ऑफ पोर्टफोलियो। अब जब शेयर का प्राइस, जब आपने शेयर खरीद लिया, वो 10% गिरता है, कम से कम 10%, तो आपको 1% और खरीदना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ ICICI सिक्योरिटी को ही ले लीजिए, आपने सपोज 400 में खरीदा, कितने खरीदे, 3% ऑफ योर पोर्टफोलियो खरीद लिया। अब वो 10% गिरेगा, यानी जब वो 360 पर आएगा तो आप 1% और खरीदेंगे, और जब 360 से फिर 15% गिरेगा
360 से 15% यानी 36 प्लस 18 54 रुपीज और गिरेगा, यानी 304 रुपए आएगा, 304 रुपए। तो आप 1% और खरीदेंगे, 400 से खरीदना शुरू किया आपने, 400 पे खरीदा 3%, फिर कब खरीदा 360 पे, 360 पे कितना खरीदा 1%, 360 कैसे निकाला मैंने 10% डिक्रीज हुआ आपके बाइंग प्राइस से, फिर दोबारा 15% जब डिक्रीज हुआ सेकंड टाइम, जब देखा हो सकता है, मैं बता रहा हूं आप खरीदेंगे नीचे जा सकता है, जब जाएगा तो 1% और, अब आपके पोर्टफोलियो में कितना हो गया 5%, 5% से ज्यादा हम कोई स्टॉक नहीं खरीदते, मैं रिपीट कर रहा हूं 5% से ज्यादा हम कोई स्टॉक, उसके बाद वो चाहे आधा हो जाए जीरो हो जाए कभी भी। आज ही मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, वो कोई एक पर्टिकुलर शेयर था, वो कह रहे हम खरीद रहे थे, एवरेज कर रहे थे, एवरेज कर रहे थे, करते करते पता चला उनके 60,000 रुपए उस स्टॉक में लग गए, जबकि एज पर हिज पोर्टफोलियो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उनका 10-12,000 रुपए लगना चाहिए था, लेकिन वो पता चला 20 रुपए का स्टॉक है 18 हुआ तो खरीद लिया, 15 हुआ तो खरीद लिया, 12 हुआ तो खरीद लिया। ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ऐसी 5% से ज्यादा किसी भी हालत में इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, और 3% से ज्यादा, 3% से ज्यादा किसी भी हालत में ट्रेडिंग वाला स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, 3% इज द मैक्सिमम लिमिट। कोई भी स्टॉक, सपोज मैंने आपसे कहा कि जी आप अवंती फीड खरीद लीजिए और आपने उसको ट्रेडिंग के लिए खरीदा, तो वो 3% इज द, अगर आपका 10,000 है, 10,000 का 3% निकालिए, वो होता है आपका 300 रुपए, 300 रुपए से ज्यादा का आपको नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना, नहीं खरीदना। इन सब का रीजन है, अगर आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक 5% से ज्यादा नहीं है, ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपसे गलती हो गई हो, आपने गलत डिसीजन ले लिया, आपका एक स्टॉक गलत हो गया तो आपका पैसा जीरो होगा, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में केवल आपका 5% का फर्क पड़ेगा। और हम जो स्ट्रेटजी लगाते हैं उसमें जनरली हमारा एवरेज जो है 20% का आता है साल का, तो एक पर्टिकुलर ईयर में आपको 20 ना के 15 आएगा, क्यों, 20 आपका रिटर्न बढ़ा, 5% एक स्टॉक में गलत डिसीजन हो गया तो भी आपका 15 आएगा, एंड 15 इज अ डिसेंट रिटर्न, 15% एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है, ये तब मैं बता रहा हूं जबकि आपसे गलत डिसीजन हो गया। गलतियां आप लोग से कहां कहां हो रही है जो मैं समझ पा रहा हूं, जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, कोई शेयर ज्यादा खरीद लिया, कोई शेयर कम खरीद लिए, पोर्टफोलियो में 50 शेयर हो गए, मैंने आपको मैसेज भेजा ये शेयर, आपको जब मैं मैसेज भेजता हूं आई हैव परचेज दिस शेयर, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे आप भी खरीद लो, ये है, हर दिन मेरे पास पीएमएस में नए नए मेंबर्स जुड़ते रहते हैं। अब किसी के पास पैसे हैं, कोई खरीदना चाहता है, तो जो उस दिन बाइंग रेंज में आता है वो मैंने आपको डाल दिया। आपका अगर 25 स्टॉक नहीं हुए हैं, आपका आप सपोज कि कोई स्टॉक आपने बेचा है, अब आपके पास पैसे आए हैं या आपके पास फंड कहीं से आए हैं तो आपको खरीदना है, अदरवाइज आपको ये नहीं कि जो भी रिकमेंडेशन आई सब खरीदते चले गए। तो पता चला आपके पास 100 स्टॉक हो गए, क्योंकि होंगे, अगर मैं मैसेज नहीं भेजूंगा तो 3 दिन के बाद आप सर वी आर नॉट रिसीविंग द मैसेज तो आप करेंगे, तो मेरा काम है रोज मैसेज एनालाइज करना, अच्छे स्टॉक को ढूंढना, आपको भेजना। आपको जब मैं भेजता हूं, सपोज मैंने आपको कल भेजा, क्या भेजा था कल परसों, मैंने आपको कोई स्टॉक भेजा, एक्सिस बैंक सपोज मैंने आपको भेजा, अब एक्सिस बैंक आपको जरूरी नहीं है खरीदो, जब मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, तो कम से कम 5 मिनट लगा के एक्सिस बैंक का टेक्निकल देख लो, फंडामेंटल देख लो, अगर आप ये करोगे ना एक साल तक तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, इसलिए मैं आपको भेजता हूं। जरूरी नहीं कि हर चीज खरीदो, देखो इस डेट पे खरीदा, उसको डायरी में लिख लो, इस डेट पे मैंने इस रेट से खरीदा, फिर देखो कि अगले 2-3 महीने में होता क्या है, रिटर्न कैसी आती है, उससे एवरेज रिटर्न एक्सेल के थ्रू कैलकुलेट करने की कोशिश करो, इससे आपकी लर्निंग होगी। क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग अपने आप हो जाएगी, आप निश्चिंत रहो, जिसकी लर्निंग हो गई उसकी अर्निंग हो जाएगी। अर्निंग में प्रॉब्लम केवल उन लोगों की होती है जिनकी लर्निंग नहीं होती है। रिपीट कर रहा हूं, टोटल पोर्टफोलियो 2 भाग में डिवाइड करो, 1 इज इन्वेस्टिंग, 1 इज ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग 90%, ट्रेडिंग 10%, कभी भी कोई पोर्टफोलियो में हम स्टॉक खरीद रहे हैं नॉट लेस देन 3%, नॉट मोर देन 5%, नॉट लेस देन 3%, नॉट मोर देन 5%। ट्रेडिंग वाले में अपना टारगेट बनाओ, जो भी हो सकता है, मेरा 20% का मैं आपको बता रहा हूँ, 20% आया मैं बेच दूंगा, मैं कोई स्टॉक ट्रेडिंग करके खरीदता हूँ, 20% आया मैं बेचूंगा, 20% आया मैं बेचूंगा, ठीक है। मैंने SBI कार्ड खरीदा था 960-970 में कहीं खरीदा था, 20% उसका कुछ बनता है 180-190 रुपए, मैंने वो टारगेट बना रखा है, मैंने अभी बताया विवेक जी को 1130-1140 मैं उसे बेच दूंगा, अब उसके बाद वो 1500 जाए मुझे क्या लेना देना, मेरे को मेरे 20% चाहिए। तो
आप भी, आपको जरूरी नहीं कि 20, आप अपना 15 बना सकते हो, 22 बना सकते हो, 25 बना सकते हो, जो आपको मन करे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो कि हाँ जी एक स्टॉक में मुझे 10% मिलता है मैं भी। तो अपना ट्रेडिंग वाले स्टॉक में जिस दिन आपका आया कि हाँ जी मेरा ये टारगेट आ गया, उस दिन एग्जिट करो, और इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक को रखो जी, अभी नहीं करना। देखिए जी, मैं आप लोग को बता रहा हूं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस बार निफ्टी जो है ना वो 3.5-4 साल में डबल होने वाला, 3.5-4 साल में डबल होने वाला, ये मुझे लगता है। और ये मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, जिस दिन मैंने आपको इंडिया आफ्टर 25 ईयर का क्लास ली थी, वीडियो भी बना के डाला था, मैंने इसके ऊपर लाइव क्लास भी होटल रमाडा में गुड़गांव में लिया था, सम ऑफ यू हैव जॉइंड दैट लाइव क्लास। तो मैं आपको बता रहा, मुझे ऐसा लगता है। अब आप सोचिए कि अगर आज आपका पोर्टफोलियो मान लो 10 लाख का है, अगर निफ्टी डबल हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका जो रिटर्न होगा ना वो डबल से कहीं ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी एवरेज होता है, पता चलेगा उसमें रिलायंस भी वो चल ही नहीं रहा है, आईटीसी जो है हिल ही नहीं रहा है, तो लेकिन हम जो स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं उसके रीजन, तो आपका और बेटर होगा। तो इसलिए स्टॉक को थोड़ा लंबे समय तक रखो, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढो, और ये नहीं कि जो अब आईसीआईसी बैंक भाग रहा है नहीं खरीदना, एचडीएफसी बैंक नहीं भाग रहा, एचडीएफसी बैंक नहीं, अभी कुछ दिन पहले 1300 मिल रहा था ना, मैं रोज कह रहा था खरीदो, पहुंच गया ना 1500, पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? अगर आप देखेंगे तो 10% हो चुका है, दिखा भी नहीं कि कब वो 10% भाग गया। आपको समझ में नहीं आया कि एचडीएफसी बैंक पिछले एक महीने में 10% भाग चुका है? ये होती है अच्छे स्टॉक की खूबी, वो तेजी से नहीं भागेगा, वो धीरे धीरे भागेगा। ऐसे ऐसे सिक्योरिटी को देखो, ऐसे ऐसे लोम्बार्ड को देखो, ऑटो सेल्स जो आज के 6 महीने पहले आप लोगों को मैंने बताए थे, आपको याद करो, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो आप लोग के पोर्टफोलियो में होंगे, याद करिए सब कहां चले गए, एक टाइम था जो हिल नहीं रहा था। तो आप अच्छे शेयर को जब वो नीचे मिलते हैं, अब वो नीचे किसे कहते हैं, बेचने का प्राइस किसे कहते हैं, अच्छे शेयर किसे कहते हैं, यही सब हम क्लासेस में सीखते तो अच्छे शेयर को सस्ते दाम पे खरीदना है, इन्वेस्टमेंट है, तो प्लीज बेचने के बारे में नहीं सोचना है, रखे रहिए। और ट्रेडिंग है तो बिना सोचे, जैसे आज मैं बता रहा हूं आपका निफ्टी का आरएसआई 80 पहुंच गया है, बहुत हाई आरएसआई होता है। अगर आपके पास ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, उसमें प्रॉफिट बन रही है, मैंने वैसे ऐसे पीएमएस वालों को मैसेज किए हुए हैं, आज भी आया होगा, तो अगर आपको कहीं 10%, 12%, 15% मिल रहा है और आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, तो निकलो उनसे। क्या है, और ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है चला जाए, लेकिन हमारा रूल क्या है कि भाई आरएसआई 80 गया यानी वो ओवरबॉट हो गया, ये निकलने का टाइम है। आरएसआई 30 आया, 35 आया, खरीदने का टाइम हो गया, खूब लूटना है हमें। तो ये हमारे रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करो, पैसा बहुत बनेगा। ये नहीं कि अब मार्केट भाग रही है तो अब कहीं से भी पैसा दे। आज मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सर अब क्या खरीदें, ये भी भाग गया सर, हम तो वेट कर रहे थे सर। नहीं, ये गलतियां नहीं कर, फिर मिलेगा मौका, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको फिर मिलेगा मौका इन्वेस्ट करने का। कब मिलेगा? 1 महीने बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, मिलेगा मौका, वेट करिए, पैसे को रखे रहिए। आप क्लासेस लेते हैं, क्लासेस लीजिए, ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाइए, नौकरी करते हैं, जो भी आप काम करते अपना करते रहिए, मौका मिलेगा, मैं आपको मैसेज करूंगा, उस मैसेज को फॉलो करिएगा, पीएमएस के थ्रू आपको ब्रॉडकास्ट पे आता है, फॉलो करिएगा, आप तब इन्वेस्ट करिए। अभी आराम से बैठिए, अभी भी मैंने आपको 3-4 दिन पहले 10 स्टॉक की लिस्ट भेजी थी, आप 10 के 10 देख लो, अगर किसी ने वो 10 में इन्वेस्ट किया होगा तो मैं गारंटी बताता हूँ उसका 5% बढ़ गया होगा एक हफ्ते में एवरेज। है कोई जो कहे नहीं ऐसा नहीं हुआ? बोलिए, हैंड रेज करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ताहिर जी, मैं आपसे कुछ सुनना चाह रहा हूँ, आपने कुछ बोला नहीं, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको सर, बोलिए। लेकिन आप लोग स्टडी तो कर सकते हैं ना कि वो किधर गए, क्या कह रहे हैं, उसका रिटर्न कैसा आ रहा है। ये भेजने के पीछे ये रीजन नहीं है कि आप खरीद लीजिए, भेजने के पीछे ये रीजन है कि आप उसको देखिए कि हमने इस दिन पे खरीदा तो ये अब किधर जा रहा है, इससे क्या होगा नेक्स्ट टाइम लर्निंग आए। भागते हुए शेयर को खरीदना नहीं, कितना भी अच्छा है, आज हैप्पीएस्ट माइंड 12% भाग गया, हो सकता है कल 15% फिर भाग जाए, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड पिछले एक साल में 300 से 1500 हुआ था, प्लीज उसको कूल डाउन का टाइम दीजिए,
दीजिए आपको ठीक टाइम पे मिलेगा, सही रेट पे मिलेगा, तब हम खरीदेंगे, मैं भी खरीदूंगा, अच्छा स्टॉक है, खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रंजना जी हैं क्या यहाँ पर? रंजना जी से मैंने हैप्पीएस्ट माइंड आज के 4-5 महीने सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका, पहले बताइए स्टॉक मार्केट में कैसा आपका एक्सपीरियंस था? सर अच्छा था एंड अच्छा रहा है अभी तक, और मुझे लर्निंग बेसिकली बहुत ज्यादा मिली है। ट्रेंड वाइज जो भी आप चार्ट पैटर्न वगैरह दिखाते हैं, आप अभी थोड़ा रिसेंटली मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक था, जिसकी वजह से मैं बहुत रेगुलरली क्लासेस आपके अटेंड नहीं कर पाई, बट हाँ मार्केट्स के ट्रेंड्स को देख के मुझे ये रियलाइज हुआ कि आपकी क्लासेस जो भी मैंने पास्ट में इतनी कंसिस्टेंटली अटेंड की है, उसका अब रिटर्न मुझे काफी अच्छा रिटर्न प्लस लर्निंग दोनों ही साथ साइड बाय साइड मिल रही है। तो आई होप अब आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव आ गया होगा। राइट सर, लॉस बहुत ही शार्पली अभी लास्ट लाइक 2-3 वीक्स में मिनिमाइज हुआ है, अब जाके क्या कहते हैं थोड़ा प्लस नजर आया है। आपका आपके फीस रिकवर हुई कि नहीं हुई? सर वो तो बहुत पहले लाइक फर्स्ट एक क्लास में संदीप, मुंबई से संदीप बुद्धिराजा जी है। संदीप जी क्या आप हैं क्या? अगर हाँ सर, मैं आई होप हमने बहुत पहले बात किया था, तो आपका कुछ क्या आप अपना बताइए सर। हाँ सर, सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी एकदम सुनाई दे रहा है सर, बोलिए सर। हाँ सर, मेरे हैवी वेट्स जो थे मेरे HDFCs और मेरे ICICI जो बैंक निफ्टी और मेरे FMCGs, वो खैर मेरे बैंक जो निफ्टीज है वो मेरा ऑन पार आ गया है। ओके, वेरी गुड। HDFCs ऑन पार आ गया है, मेरे FMCGs काफी बढ़ चुके हैं, तो मोर और लेस मेरा अभी पोर्टफोलियो पॉजिटिव हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नहीं कुछ दिन पहले जब मैंने आपसे बात की थी तो आपका कंसर्न मुझे आपने बताया नहीं था, आपने बोला भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि शायद आपको लग रहा हो कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। जब सर ऐसा नहीं, हाँ सर टू बी ऑनेस्ट मेरा था ऐसा, क्योंकि मेरा जो आपने मुझे ये बात बताई नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी फोन पे आपने मुझे बताया नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था, मुझे अंदर से फील हुआ था, इसलिए मैं आपसे सबके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अब आपका पॉजिटिव आ गया ना। करेक्ट सर। 6 महीने और रुकिए, आप अपने FDs को भूल जाएंगे और कुछ और FDs होंगी तो उनको भी तोड़ देंगे। हाँ सर, आपको मेरी वही बैकग्राउंड पता है, क्योंकि मैंने अपनी FDs तोड़ के इक्विटी में बहुत ज्यादा मेजरली इन्वेस्ट किया था। रहिए आप लोग का मैं बता रहा हूँ, फिर लास्ट चेंज मैं बता रहा हूँ, प्लीज ट्रेडिंग वाले स्टॉक से प्रॉफिट को बुक करिए, मार्केट में आपको अच्छा खासा करेक्शन अब मिलेगा, आज मिलेगा, 1000 पॉइंट चढ़ के मिलेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से बताया है टॉप को पकड़ना और बॉटम को पकड़ना ये मुझे ना आता है, मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं जिसको आता। तो अपना रूल डिसाइड कर लीजिए, हाँ जी इस रेंज में आएगा तो मैं अपना ट्रेडिंग से निकलूंगा, इन्वेस्टमेंट बारे में तो खैर बने रहिए। अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट मैंने आपको पहले अभी भी भेजी है, 10 स्टॉक की, 12 स्टॉक की, जो आज भी बाइंग रेंज में है, आप उनमें चाहो तो शिफ्ट हो जाइए, आराम से खरीदिए। और नेक्स्ट मूव जो अब मार्केट में आने वाली है वो बैंकिंग में आने वाली है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बैंकिंग में आने वाली है। अगर आप HDFC को देखें, HDFC बैंक को देखें, अगर आप एक्सिस को देखें, कोटेक को देखें, तो ये सब आपको प्री कोविड लेवल के आसपास आज मिल रहे हैं। यही आपका नेक्स्ट, मेरा अभी कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कर खरीदना, मैं आपको बताऊंगा क्या खरीदना है, कब खरीदना है, लेकिन यहां से अब, क्योंकि अब अगर निफ्टी आगे बढ़ेगा, अब अगर मार्केट आगे बढ़ेगी, तो सबसे पहले फाइनेंशियल्स आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले बैंकिंग आगे बढ़ेगा, तभी अब मार्केट, क्योंकि FMCG चल चुके, ऑटो चल चुके, टेक्नोलॉजी पहले ही बहुत भागे हुए थे, थोड़े बहुत दो तीन टेक स्टॉक हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है लिस्ट में, जिसमें विप्रो है, SCL है, दिया है, और जिस दिन से दिया है आई होप सब प्रॉफिट कमा रहे होंगे। याद होगा आज के 3 महीने पहले आप लोगों ने कहा था विप्रो खरीदे, मैंने मना किया था, टेक्नोलॉजी मना किया था, और जब खरीदना हुआ तो मैंने आपको बताया हाँ अब SCL टेक खरीदिए, अब विप्रो खरीदिए, आई होप आप लोगों ने खरीदा होगा, तो यू मस्ट बी आई थिंक गुड प्रॉफिट ऑन दैट। ठीक है, मनीषा जी कुछ कहना चाहती है? मनीषा जी प्लीज आप जो बोलते हैं वो खरीद लेती हूँ, और आप जो कहते हैं वो बेच देती हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दिमाग लगाएं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता सर कि मैं दिमाग लगाऊं, और मैंने शुरू ही आपकी क्लासेस अटेंड करने के बाद ही अपना डीमैट शुरू किया था, और बस आप जैसे मुझे आप जैसे सिखाते हैं, जैसे आप बताते हैं हम उस हिसाब से कर लेते हैं। अब आपका पोर्टफोलियो क्या कह रहा है ये बताइए सर। ठीक है,
ठीक है, अच्छा है सर, मैं भी रोज रोज नहीं देखती सर। वेरी गुड, जैसे आप कहते हैं रोज नहीं देखना, मैं भी रोज नहीं। आप ये करती हैं कि रोज नहीं देखती तो मैं आपको बता रहा हूँ आप बाकियों से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगी आज के 4 साल बाद। ये मैं आपको बिना लिखे दे देता हूँ। नहीं सर, मेरा 4 साल वाला भी नहीं है सर। अच्छा, मेरा ट्रेडिंग वाला ही है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप में से ऐसा हो कि जो रोज रोज नहीं दे सकता, जब पैसे हो, अच्छे स्टॉक के रिकमेंडेशन आए, उस रेंज के आप मेरे खरीदते जाओ खरीदते जाओ, इक्विटी में वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करो। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। दो स्टॉक बताए थे, एक तो राजेश एक्सपोर्ट और एक मुथूट सर, उनका ना आपने टारगेट नहीं बताया था। कोई बात नहीं, जब बेचने का होगा तो मैं बता दूंगा, आज बेच दूं। अच्छा ठीक है, अभी रखे रहिए। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आज की क्लास का फीडबैक डालिएगा, और आप अपनी जो भी आपके 5 महीने 6 महीने 1 साल जिसने जब से करा है आप लोगों के ग्रुप में से मैक्सिमम जो आपकी इस सर्विस के थ्रू आपकी लर्निंग या अर्निंग हुई है, उसको अगर आज आप लोग एज अ फीडबैक मेरे को डाल देंगे ऑन डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप जिस पे आप हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे, तो इट आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू पीपल। माय रिक्वेस्ट, प्लीज डालिएगा आज। थैंक यू वेरी मच सर। ओनली वन डाउट सर, कैन आई आस्क? यस मैम, प्लीज सर। एक्चुअली विप्रो यू हैव गिवन ट्रेडिंग दैट इज सेल एट 780, कैन वी वेट और कैन वी सेल इट ऑफ विद द सरप्राइज? व्हाई यू वांट टू सेल मैम? No, no, sir. Because you mentioned that Wipro is a trading stock. हाँ, yeah. So, हम उसको बेचेंगे, मैं बताऊंगा आपको. How much profit you are getting? Now, I am getting around 10%, sir. 10%? थोड़ा सा 10% और बढ़ा देते हैं इसको. Okay, sir. And I have one more question also, sir. Lal Path, Dr. Lal Path Lab, actually. Buy it at this level. Buy it at this level. No, that is investing stock or trading stock? Investing stock. Very good investing stock. Very good investment. Thank you very much, everyone. I think it's more feedback. Thank you, everyone.